हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन विलेनस वीडियो चैनल। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप हीरोइक्स पे जा सकते हो। काफी बंदों ने मुझे कहा कि भाई कोई अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए जिसकी मदद से हम भी इजीली हीरोइक्स पे जा सके। तो आज आपके लिए वीडियो आ चुकी है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की। ओके गाइस, सो आप अभी अपनी जो रैंक है वो डायमंड बन पे है, जो माइनस हो गई है। मैं हीरोइक्स पे पहले जाके आ चुका हूँ, सीजन स्टार्ट हुआ था। एंड अपने जो किल मॉन्टेज के वीडियो आते हैं जिसके कारण थोड़ा माइनस प्लस तो चलता रहता है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो गाइस सबसे पहली बात कि आप खेलते क्या हो, मतलब खेलते तो गेम ही हो, मतलब ये है कि आप सोलो खेलते हो, ड्यूओ खेलते हो या स्क्वाड खेलते हो। अगर आपके पास टीम है, आप ड्यूओ के साथ आपका कोई ड्यूओ पार्टनर है या फिर टीम है आपकी स्क्वाड की, तो आप बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो आपकी हेल्प करते हैं, कहाँ पे बंदे हैं, कहाँ पे क्या है, वो आपके बताने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आपके पास टीम नहीं है तो आपको सिंपली सोलो ही खेलना है, क्योंकि अगर आप रैंडम के साथ खेलते हो डुओ स्क्वाड, आप सोचते हो कि प्लस हो जाएगी, तो उसमें आपके माइनस ही होने वाले, क्योंकि वो ना तो अच्छे से आपको कुछ बताते हैं, ना ही आपकी हेल्प करते हैं। तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं खेलना, आपको सिंपली सोलो खेलना। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन, इसमें आप सर्वाइव करके भी खेल सकते हो, आपको जो अच्छे खासे किल भी मिल जाएंगे। तो गाइस आपको सिंपली अगर आपके पास टीम नहीं है तो आपको ओनली सोलो ही खेलना है। ओके, तो ये बात का ध्यान रखना है। तो गाइस अब बात आती है लैंडिंग की, तो एक चीज है जिससे आपका डिसाइड होता है, एक मेन चीज है जिससे आपका डिसाइड होता है कि आपका गेम कैसे जाने वाला, आपका जो प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये एक मोस्ट चीज है, इसको आप में ध्यान रखना है। आपको गेम में उतरने से पहले ध्यान रखना है कि आपकी लैंडिंग कहाँ होने वाली है, आपको कहाँ पे लैंडिंग करनी है, और आपको ऐसी जगह उतरना है, अगर आपको प्लस करनी है तो ऐसी जगह उतरना है जहाँ पे बंदे काफी कम हो, जिससे आप पहले लूट कीजिए उसके बाद ही फाइट कीजिए। क्योंकि ऐसे फाइट करोगे तो ना आपको गन मिलेगी, ना आपको किल मिलेगा, ना आपकी प्लस होगी, ना ही आपकी केडी बढ़ेगी, तो सब कुछ माइनस होगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके गाइस, तो आपको ऐसी जगह जाना जो मैप से काफ़ी दूर हो, जहाँ पे कम बंदे आते हो, तो वहाँ पे आप अच्छे से सर्वाइव कीजिए। आप टॉप 10 पे, टॉप 15 पे, टॉप 50% पे ऐसे कुछ आने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी माइनस कम होगी, आपकी प्लस होगी। ओके गाइस, आपको किल तो मिलना ही है क्योंकि बंदा आएगा तो उससे लड़ना तो पड़ेगा ही, तो किल तो मिलना ही है। तो पहले थोड़ा सा सर्वाइव कीजिए जिससे आपकी प्लस भी हो जाएगी। एंड एक चीज की ध्यान रखना है, जो आप गलती करते हो कि अगर आपको दूर जाना है ना, तो उससे पहले अगर आप कोई प्लेस पड़ता तो आपको वहां पे उतरना है, क्योंकि उससे पहले कोई बंदा उतर गया ना तो उसको गन मिल जाएगी, आपको जाने से पहले ही खत्म कर देगा, क्योंकि ना तो आपके पास वहां पे वेस्ट हेलमेट कुछ भी नहीं होगा, तो आप जल्दी से खत्म हो जाओगे। गाइस ऐसे में आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी रैंक माइनस ना होगी, क्योंकि जब आप डायमंड 4 पे, 2 पे, 3 पे जो भी होते हो तो आपकी माइनस बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे आपकी जो होता है कि भाई इतनी मेहनत से प्लस की हो जल्दी से माइनस हो जाती है। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। ओके गाइस, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो गाइस अब आती है गन्स की, आपको कौन सी गन्स यूज करनी है। तो इसके लिए आपको मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, आपको जो गन ज्यादा अच्छी लगती है आप वही यूज कीजिए, जो आपसे अच्छे से चल सकती है आप वही गन यूज कीजिए। ऐसे नहीं कि आपको M1040 चलानी है, अगर आपसे MP40 अच्छी चलती है, SMG गन अच्छी चलती है, तो आप वो वाली ज्यादा यूज कीजिए, जिससे आपको किल लेने में भी आसानी होगी। ओके गाइस, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अगर आपके पास गन की स्किन है तो वो वाली गन की स्किन यूज करनी है, जिससे क्या होता है उनमें डैमेज वैमेज प्लस होता है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ओके गाइस, एंड अगर आप न्यू प्लेयर हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको लॉन्ग रेंज की गन यूज करनी है तो आप इसमें स्कार AK और M4N1 यूज कर सकते हो, जिसमें AK काफी अच्छी गन है क्योंकि उसका डैमेज काफी अच्छा हो। शॉर्ट रेंज में आप M1040, P90, MP40 ये गन यूज कर सकते हो। ओके गाइस, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक की तरफ। तो गाइस अब आता है मौके पे चौका मारना, मतलब कि गेम में आपको फायदा उठाना। जब भी कोई दो बंदे लड़ रहे हो, मतलब स्क्वाड में या डुओ में, सोलो में भी ऐसा, सोलो में तो सबसे बेस्ट आपको मौके का फायदा उठाना है। जब भी कोई दो बंदे फाइट कर रहे हैं ना, तो आपको वहां पे जाके फाइट लेनी है, जिससे आपको किल भी मिल जाएगा, आपकी आसानी से प्लस भी हो जाएगी। लेकिन आपको इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है, आपको सीधे वेस्ट नहीं कर देना है। ओके, ऐसा नहीं कि आप सीधे वेस्ट कर दो, ऐसे नहीं सामने वाला उसको किल कर दो वहां पे आपका वेट कर रहा हो, ऐसे भी नहीं करना है। आपको थोड़ा बहुत कवर लेके ही किल करना है, आपको किल करना है, आपको उससे फाइट करनी है, सीधे वेस्ट नहीं करना है कभी भी। क्योंकि सीधे वेस्ट करते हो तो सामने वाला बैठा रहता है, सामने वाला क्या ये होगा कि अगर मैं ऐसे नहीं बता रहा मौके का फायदा, मतलब सिंपली भी बता रहा हूँ, कोई सामने बंदा बैठा आप सीधे वेस्ट करोगे तो वो आपको उसका पूरा ध्यान आप पे फायर करना होगा, आपका ध्यान होगा आपको वेस्ट करने पे, तो ऐसे में वो आपको आसानी से किल कर देता है। लेकिन आपको कवर लेके ही वेस्ट करना है, आपके पास ग्लू बॉल है तो उसका यूज करना, अगर नहीं है तो आपको खुले में बिल्कुल भी नहीं जाना। ओके गाइस, तो इन बातों का भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, सो गाइस ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप भी हीरोइक्स पे जा सकते हो, अपने रैंक अच्छी खासी प्लस कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ चीज का ध्यान रखना जो मैंने बताया,
इतना मुश्किल नहीं है हीरोइक्स पे जाना, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे आपकी रैंक माइनस ना हो। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। एंड आपको ड्रैग हेडशॉट का भी ज़्यादातर यूज़ करना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ड्रैग हेडशॉट की, जिससे होता क्या है कि बंदा, सामने वाला बंदा जल्दी से ख़त्म हो जाता है एंड आपकी गोलियाँ भी कम वेस्ट होती है और आपकी जो वेस्ट हेलमेट है वो भी काफ़ी कम डैमेज होती है। तो आपको ड्रैग हेडशॉट की तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है रैंक मैच में और बाकी मैच में भी। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। ओके, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके गाइस, सो बाय।